पीएस इंजीनियर से सैयद उमर बात कर रहा हूँ। एलएनटी कमेंट्स पीसी 210 कमेंट्स ऑफ पीसी 210 डैश 8 एमओ का आप देख सकते हैं। ये मशीन का हालत के हिसाब से आप समझ सकते हैं। इसी हालत पे खड़ी हुई है, रोक डाल के निकाला हुआ है मशीन को बाहर से, अंदर खड्डे में पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये पोजीशन पे रुका हुआ है, अंदर निकल गया है। यहाँ पे पहले पानी था, उसके अंदर फंसा हुआ है मशीन। अभी बाजू में ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं पानी में फंसा हुआ है। जेसीबी इटाची एक्सकेवेटर्स के जरिए से और रोप के जरिए से बाहर निकाले। निकालने के बाद अभी हम लोग चेक कर रहे हैं बैटरी टर्मिनल ठीक था, ये लूज है। कोमेंसो 210 बैटरी वायर टाइट रहना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए। अभी हम लोग फ्यूज और ईसीएम का रिले चेक करने के लिए पीछे बैक कवर निकाल रहे हैं। चाबी ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले में एरर कोड L03 आ रहा है। F5 बटन प्रेस करने से उसका डिटेल्स आएगा। फेलूर कोड DB2QKR शो कर रहा है, उसका डिटेल्स है। ये ट्रबल शूट करने के लिए इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकल चेक करने के बाद मल्टीमीटर के जरिए से फ्यूज़ और रिले पूरा चेक करूँगा।
अभी मैं डाइवर्ड और रिले चेक करने के बाद इंजन ECM के पास पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं कि चेक करने वाला हूँ। ये ECM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, नीचे पावर सप्लाई कपलर है, पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। अभी मैं खोल के चेक कर रहा हूँ, कनेक्टर को बाहर निकाल रहा हूँ पावर सप्लाई का। डिजिटल मल्टीमीटर लेके DC वोल्टेज में सेलेक्ट करना, 200 रेंज में रख के 24 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं चेक करना चाहिए। वोल्टेज नहीं आ रहा है, अभी मैं रिले के पास चेक करके वोल्टेज चेक करूंगा। अभी आप देख सकते हैं 24 वोल्टेज शो कर रहा है डिजिटल मल्टीमीटर पे। ओके है पावर सप्लाई, 24 वोल्टेज आ गया। कनेक्टर को लगाने के बाद ECM को स्टार्ट करके चेक करेंगे। इंजन सब स्टार्टर घुमा रहा है लेकिन फायर नहीं हो रहा है। अभी हम लोग ECM बाहर निकाल के ECM को एक बार टेस्ट करना चाहिए। ECM के अंदर पानी गया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा पानी, आवाज भी आ रहा है।
भी का। ये पानी ईसीएम का तो पूरा गया हुआ है। ये काम नहीं करेगा भाई। आ गया भाई।